हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन होता क्या है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, आपको किस किस चीज़ का ध्यान रखना है जब आप प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन करते हैं, प्लस आप इसमें क्या क्या चीज़ को आपको प्रॉपर स्टेप बाई स्टेप रजिस्ट्रेशन करना है। तो आज का हमारा ये वीडियो एक थोड़ा लंबा वीडियो है, बट हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन के बारे में और क्या कॉस्ट लगता है। क्योंकि देखिए, नॉर्मली आप गूगल पे जाएंगे तो कहीं पे आपको प्रोप्राइटरशिप 1000 से लेके आपको 10,000 तक के कॉस्ट में आपको मिलेगा कि प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन होता है। लेकिन मैं आपको एक सिंपल वे बताऊंगा जिससे आप कम कॉस्ट में या फ्री में भी आप अपना प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और जिसके बेस पे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये प्रॉपर वीडियो देखेंगे तो आपको हर एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद भी आपको कुछ क्वेरी रहता है तो आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए जो हमारे मेन मेन पॉइंट्स है इस वीडियो में, हम उसके ऊपर एक एक स्टेप लेके चलते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला स्टेप है जो आपको प्रोप्राइटरशिप में कि कौन क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। सेकेंड, आपको अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या प्राइवेट एम्प्लॉई है तो क्या आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन में। प्लस इसके अलावा आपका टैक्स का क्या होता है, क्या जीएसटी मैंडेटरी होता है प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन के लिए। प्लस इसके अलावा क्या आपको अपना अकाउंट मेंटेन करना होता है या नहीं करना होता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिसको हम एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो इसके जिसमें प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन करवाना है तो जो सबसे हमारा फर्स्ट पॉइंट है, प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होता है। तो देखिए, प्रोप्राइटरशिप में कोई गवर्नमेंट ने ऐसा रूल नहीं निकाला हुआ कि आप ये रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो आपका प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। प्रोप्राइटरशिप सिर्फ तब आप रजिस्ट्रेशन माना जाता है जब आपने कोई गवर्नमेंट लीगल फॉर्म को रजिस्टर कर लिया हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर सिंपल होता है, जैसे आपने किसी स्टेट में है और आप शॉप लाइसेंस भी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपका प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ये सबसे सिंपल वे है आपको प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन करने का। अगर आपने सिर्फ शॉप रजिस्ट्रेशन, जिसको हम किसी किसी स्टेट मास्टर लाइसेंस भी कहते हैं, वो भी आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो वो भी आपका प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन होता है। इसके अलावा अगर आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, अगर थोड़े से और एक्स्ट्रा आप उसमें सिक्योर चाहते हैं तो उसके लिए आप MSME में भी या उद्यम रजिस्ट्रेशन जिसको हम बोलते हैं उसमें भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद भी आप प्रोप्राइटरशिप हो जाते हैं, उसके बाद आप अपना करेंट अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं, जिससे आप किसी भी बैंक में जाके आप इजीली अपना प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन के नाम पे आप एक फॉर्म ओपन करके और उसमें आप बिजनेस कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी आप चाहते हैं तो देखिए, उसमें क्या है, जीएसटी की बात आती है। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आपका, अगर टर्नओवर का जो बात है तो टर्नओवर, अगर आप मैन्युफैक्चरर है तो मैन्युफैक्चरर के लिए जो लिमिट है वो 40 लाख का। अगर आप 40 लाख से अब जाते हैं तब आपके लिए कंपलसरी होता है प्रोप्राइटरशिप में जीएसटी लेना। वैसे ही अगर आप सर्विस सेक्टर में है तो सर्विस सेक्टर में आपका 20 लाख है, तो 20 लाख से जब आप ज़्यादा जाते हैं तब आपके लिए कंपलसरी होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो ऐसे करके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। देखिए, जो अब आ जाती है इसमें फीस की बात, तो जैसे आप MSME करवाते हैं या शॉप लाइसेंस करवाते हैं तो शॉप लाइसेंस हर स्टेट का अलग अलग, कहीं पे आपको 1500, कहीं पे 2000, ऐसे ऐसे करके फीस आती है। किसी स्टेट में जो गवर्नमेंट फीस है वो 0 है, तो किसी स्टेट में जो गवर्नमेंट फीस है वो 1000, 2000 है। तो आपका स्टेट बाय स्टेट डिपेंड करता है कि आपकी उसमें फीस कितना जाता है। अगर आप उससे भी नहीं तो आप अपना MSME रजिस्ट्रेशन करके आप MSME खुद भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और अगर आप नहीं कर पा रहे तो मैं आपको लिंक दे दूंगा जिसमें आप MSME रजिस्ट्रेशन का हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जिसके भी आप पे आप जाके देख सकते हैं कि कैसे MSME रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो उसके बेस पे भी आप MSME रजिस्ट्रेशन करके और आप अपना बिजनेस रन कर सकते हैं। उसके बाद अगर उसमें भी आपको अगर लगता है तो उसके बाद आप जीएसटी के लिए जा सकते हैं, जो मैंने आपको लिमिट बताया। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा के और आप अपना प्रॉपर एक फॉर्म चला सकते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म। हाँ जी, तो प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगता है। तो देखिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए जैसे आप MSME या शॉप लाइसेंस ले रहे हैं तो शॉप लाइसेंस और MSME के लिए आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए अपना। पैन कार्ड के बाद आपको अपने पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास एक फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, अकाउंट। तो अकाउंट के लिए आप सेविंग अकाउंट भी डाल सकते हैं। शॉप लाइसेंस में तो हर स्टेट में रिक्वायरमेंट नहीं होता, बट MSME अगर आप कर रहे हैं और आपके पास करेंट अकाउंट नहीं है तो उसके बेस पे आप उसमें अपना सेविंग अकाउंट डाल के भी आप अपना MSME रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और उसके बाद इन फ्यूचर अगर आप अपना करेंट अकाउंट ओपन करते हैं तो उसको अपडेट कर सकते हैं, जिसको हम उद्यम रजिस्ट्रेशन भी अभी के टाइम पे बोलते हैं, जो पहले MSME रजिस्ट्रेशन होता था।
तो इस टाइप से आप अपना जो नॉर्मल केवाईसी डॉक्यूमेंट होता है उसके बिहाफ पे आप अपना प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद आपको जीएसटी के लिए चाहिए तो जीएसटी में आपके पास एक फॉर्म रजिस्ट्रेशन के लिए, जैसे आपके पास एक अगर कोई एक ऑफिस होना चाहिए जिसके बिहाफ पे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, जैसे उसके लिए आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल कॉपी होना चाहिए, अगर आपका वो ऑनर खुद आप कर रहे हैं तो। अगर आप खुद नहीं कर रहे तो आपको रेंट एग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगा, ऑनर का आईडी प्रूफ लगते हैं, प्लस आपके पास एनओसी होना चाहिए ऑनर का कि आप वहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं। तो ये सारे रिक्वायरमेंट होता है अगर आप जीएसटी में जाते हैं तो। अगर आप जीएसटी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप नॉर्मल एमएसएमई के बिहाफ पे भी आप रन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं अकाउंटिंग और बुक कीपिंग की। देखिए अगर आपका टर्नओवर ज़्यादा नहीं है तो आप बिना अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के भी आप अपना बिजनेस रन कर सकते हैं, जाके टर्नओवर दिखा के और उसके आप प्रेजेंटिव बेस पे आप अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। तो आईटीआर में आप अपना अगर आपका 6% या 8% है तो उसके बिहाफ पे आप अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आप अपना टैक्स भी उसमें बचा सकते हैं। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है कि क्या मैं अपना बिजनेस सेविंग अकाउंट पे रन कर सकता हूँ ट्रांजेक्शन के लिए। देखिए ऐसा कोई गवर्नमेंट ने रूल नहीं निकाला है कि आप बिजनेस नहीं कर सकते, बट एज अ प्रोफेशनल मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उसके लिए आप करेंट अकाउंट ही ओपन करें और करेंट अकाउंट पे ही आप अपना बिजनेस रन करें। क्योंकि सेविंग अकाउंट का मतलब ये है कि आप एक सेव कर रहे इनकम को, या जो भी आपके पास अमाउंट है सेविंग सेव के लिए। तो इसलिए सेविंग अकाउंट पे अगर आपका 3 लाख 4 लाख तक का ट्रांजेक्शन होता है तो इतना तो चल जाता है, बट इससे ज़्यादा होता है तो प्लीज़ आप अपना एक करेंट अकाउंट ओपन करवा लें जिसके बेस पे आप बिजनेस रन करें। क्योंकि ऐसा नहीं करवाते हैं तो आपको इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ सकते हैं। तो एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका जीएसटी कॉम्प्लायंसेस। देखिए अगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाया है तो जीएसटी में आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी होता है, चाहे आपने उसमें आपका सेल परचेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि जीएसटी में यह है कि आपको मंथली या तो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं आपका चाहे नील का भी हो तो डिपार्टमेंट की तरफ से उस पर पेनल्टी आता है, तो पेनल्टी आपको बाद में बहुत ज़्यादा लॉस कर जाएगा। तो इसलिए अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो आप एवरी मंथ या एवरी क्वार्टरली आप रिटर्न फाइल जरूर करें, जिससे आपका टैक्स प्लस पेनल्टी बचता रहे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट आ जाता है आपको कि क्या एक एम्प्लॉय प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन कर सकता है। तो देखिए अगर आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आप बिजनेस नहीं कर सकते, बट अगर आप इंडिविजुअल या कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड में कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनी में कर रहे हैं, तो उस बेस पे आप एक जीएसटी या प्रोप्राइटरशिप करके आप एक बिजनेस रन कर सकते हो, लेकिन वो आपके टाइम से। बट आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जिस कंपनी में आप बिजनेस रन कर वर्क कर रहे हैं उस कंपनी में टर्म एंड कंडीशन में ऐसा नहीं लिखा होना चाहिए कि आप कोई थर्ड बिजनेस या कहीं और बिजनेस नहीं कर सकते प्रोप्राइटरशिप में। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तब भी आप चाहते हैं कि कुछ इनकम एक्स्ट्रा हो जाए तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप अपने फैमिली में बिजनेस किसी के नाम पर आप प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन करके और उसके बिहाफ पे आप अपना बिजनेस आगे कर सकते। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गया हो तो आप एक लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमें भी लगे कि हाँ हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और अगर ज़्यादा अच्छे लगे तो दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। अब जल्दी हम एक पॉइंट्स लेके आएंगे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्लस प्रोप्राइटरशिप में क्या डिफरेंस होता है, जिससे कि आपको पॉइंट्स जो क्लियर हो जाए कि इसमें डिफरेंस क्या है, कौन सा हमें करवाना चाहिए, क्या बेनिफिट्स कब आपको मिल सकते हैं। तो इसके लिए हम जल्दी वीडियो लेके आते हैं। थैंक यू एंड धन्यवाद।